हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित गुरु जी। गणित गुरु जी के प्रिय लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे से मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, और ये टाइप 5 है और अंतिम टाइप है। ये 22 से शुरू होके आपका 33 तक क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले इसके पीछे के सीरीज वाले वीडियो लेक्चर को देख लें, ताकि आपको कंटिन्यूटी चैप्टर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। फंक्शन के एक्स प्लस वन, जब एक्स छोटा है 5 से या बराबर है 5 के, और दिया है 3x-5 जब एक्स बड़ा है 5 के। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को के का मान निकालना है। एक चीज़ समझ में बात आती है कि के का मान निकालने के लिए दे दिया, और इसने एक और कंडीशन जो बताया है कि ये एक्स पावर 5 पर फंक्शन संतत है, एक्स पावर 5 पर फंक्शन संतत है। वैसे आज मैं पेन से वीडियो बना रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर एफ ऑफ एक्स की हम बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, यानी कि किस पर, एक्स पावर 5 पर, एक्स पावर 5 पर, तो देखिए क्या हो जाएगा। एफ ऑफ पाँच हो जाएगा ये बराबर वाला के इंटू 5+1, यानी कि 5k+1। उसके बाद स्टूडेंट, अब हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो संतत है तो हम लोग इसको देख सकते हैं। पहले देख LHL नहीं दिखेंगे, क्योंकि LHL और फंक्शन एक सौ पाँच पे बराबर और छोटा वाला दोनों एक ही जगह पे है, तो एक ही फंक्शन मिलेगा, इसलिए हम लोग बड़ा वाला देखते हैं, RHL देखते हैं। यानी x जब बड़ा होता है 5 से, जब x बड़ा होता है 5 से, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन प्लस में लिमिट x टेंस टू 5, ठीक है, फंक्शन ये वाला पुट करेंगे 3x-5। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 3×5-5, तो 5 3 15 में से 5 गया 10। अगर फंक्शन संतत होगा, देखिए अब स्टूडेंट यहाँ से एक टेक्निक शुरू हो रहा है, फंक्शन संतत होगा तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा RHL के। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत एक स्टेप में यहाँ से काट सकता हूँ। LHL मैंने नहीं करा, क्योंकि LHL और फंक्शन एक ही होने वाला था इसके चलते, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 5k+1 और RHL की जगह पे 10, तो 5k+1 बराबर के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 तो 5k=2 हो जाएगा 9, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा जी, 9/5, 9/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हम लोग मिला लेते हैं बुक से, ठीक है, तो बुक से हमने मिलाया आंसर 9/5, चलिए सही है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं क्या हम लोग जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 22 का ही 2 दिया है। एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, जब एक्स छोटा है बराबर है 2 के, और 3 जब एक्स बड़ा है 2 के, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग पहले एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4k, क्लियर। और फिर RHL निकाल लेते हैं, जब x बड़ा है 2 से, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसमें कहीं x का झमेला तो है नहीं, सीधा 3 दिया हुआ है, ये 3 लिख दीजिए। और चूंकि फंक्शन अगर संतत है 2 पर, तो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा RHL के, LHL का जरूरत महसूस नहीं हो रहा है। तो देखिए 4k=3, तो k बराबर हो जाएगा 3/4। देखा स्टूडेंट कितनी आसानी से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देख लीजिए। चलिए जी, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तब जाके ही समझ में आएगा, ठीक है। कभी भी वीडियो जो होता है वो हम लोग को कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए देखने के लिए,
इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट जो होता है विल्ट होता है। और आप लोग इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं कि मैं जो भी बोलूँगा वो आप लोग नहीं मानोगे, मानना चाहिए ठीक है, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चलिए स्टूडेंट, चलिए एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस वन जब एक्स छोटा है पाई से और कॉस एक्स जब एक्स बड़ा है पाई के, तो पहले हम लोग एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं। जैसे ही पाई निकाला तो ये वाला हो जाएगा ना के बराबर वाला के इंटू पाई प्लस वन, यानी कि पाई के प्लस वन। अब आर एच एल निकाल लो, आर एच एल एक्स बड़ा है पाई के, ये वाला हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू पाई कॉस एक्स और कॉस पाई, कॉस पाई भर देंगे स्टूडेंट। तो कॉस पाई का वैल्यू आपका हो जाता है कॉस पाई, यानी कि कॉस जीरो हो जाएगा ना ठीक है, तो कॉस पाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन, कॉस पाई का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस वन, क्लियर। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, पेज में पलट रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कॉस पाई एक्चुअल में इस प्रकार से देखें, यहाँ से ये जीरो, अगर इसमें रहता कहीं जीरो डिग्री तो ये वैल्यू वन देता है कॉस का, लेकिन यहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट बेसिकली होता है साइन और कॉसेक का होम, तो साइन और कॉसेक के होम के चलते ये कॉस पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस वन। अब हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ पाई बराबर है आर एच एल के, तो हो जाएगा एफ ऑफ पाई कितना था जी, एफ ऑफ पाई हमने निकाला था पाई के प्लस वन, पाई के प्लस वन बराबर माइनस वन, उठा के इधर भेजो पाई के माइनस वन माइनस वन, पाई के बराबर माइनस टू, तो के बराबर हो जाएगा माइनस टू बटा पाई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का चार देखेंगे, फंक्शन दिया वन माइनस कॉस फोर एक्स बटा आठ एक्स स्क्वायर, जब एक्स क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि जीरो से या तो छोटा है या जीरो से बड़ा, और के एक्स बड़ा है किसके, सॉरी बराबर है किसके, जीरो के। तो पहले तो एफ ऑफ जीरो लिख लेते हैं जीरो, उसके बाद हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, डेट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बराबर नहीं है तो ये वाला वैल्यू लिखेंगे वन माइनस कॉस फोर एक्स बटा आठ एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आप जीरो डायरेक्ट पुट करते हो तो देखो वन माइनस वन जीरो और ये जीरो, यानी कि ये जीरो बटा जीरो फॉर्म आ जाता है, जीरो बटा जीरो फॉर्म आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा ठीक है। जब डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको कर सकते हैं अन्यथा ये नहीं हो पाएगा। देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कर लेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नीचे कर लेंगे, नहीं तो होगा ही नहीं ठीक है। चलिए जी कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ठीक है। देखिए स्टूडेंट ऊपर का डिफरेंस वन का तो जीरो हो जाएगा, चलिए जी वीडियो फिर से शुरू हो गया, ट्रेन आ गई थी थोड़ी। देखिए वन का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन फोर एक्स और फोर एक्स का डिफरेंशिएशन फोर बट्टा आठ तो आठ रहेगा एड एक्स स्क्वायर का टू एक्स ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस माइनस प्लस फोर साइन फोर एक्स बट्टा में आठ दूना सोलह एक्स। अभी अगर जीरो पुट करके देखते हैं तो जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो नीचे भी जीरो, यानी कि फिर से वापस ये जीरो बट्टा जीरो फॉर्म आ जाती है। तो अब फिर कन्फ्यूजन हो गया, तो फिर से वापस एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फोर बाहर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, फोर एक्स है तो फोर एक्स और फोर एक्स डिफ्रेंशिएशन फोर ठीक है अपॉन सोलह एक्स, एक्स डिफ्रेंशिएशन वन ठीक है। अब जाके ये काम बन गया अपना, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
16 कॉस 4x अपॉन 4। अब जाके ये 0/0 फॉर्म यानी कि इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म बोला जाता है वो हट गया। अब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 16 कॉस 0 का वैल्यू 1 अपॉन 16 डेट इज़ वैल्यू आ जाएगा 1। और चूंकि फंक्शन क्या है, संतत है, कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि f(a) f(0) जो भी दिया हुआ है वो लिमिट x टेंस टू 0 के बराबर होगा, यानी कि k बराबर हो जाएगा 1 के। ये आपका वैल्यू निकल गया। देखा कितने आसानी से निकल गया। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। चलिए जी आगे क्वेश्चन, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन जो दिया हुआ है 2x+2 - 16 बट्टा 4x - 16 जब x क्या है बराबर नहीं है 2 के, और दिया है k जब बराबर है x बराबर है 2 के। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं और देखिए कैसे ये आसानी से बन जाएगा। f(2) तो हमको पता है k होता है, चलिए काम खत्म हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, फंक्शन जो कि बनता है लिमिट x टेंस टू 2 2x+2 - 16 और बट्टा 4x - 16। अगर दिमाग लगाइएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये 2 का पावर 4 - 16 और 4 का पावर 2 - 16 यानी कि यह भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 बन रहा है। यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल रूल लगना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं कि उस वो रूल ना लगा के भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो लगाते हैं तो उसमें हम लोग को लॉग के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का बनता है, मज़ा नहीं आता है। कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है। इसको हम लिख सकते हैं कि 2x - 16। अब देखो तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। ये जो एक्चुअल में जो दिया है 2 का पावर² एंड 2 का पावर x गुना में है ना जी, ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लिमिट 2 का पावर² कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 4 कॉमन ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो बच गया 2x - 2 का पावर² एक बच गया। यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हुई, और समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि यहाँ से 2 का पावर 2 कॉमन कैसे ले लें, कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो 2 का पावर 2, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोग एक दिमाग लगाते हैं कि 2 का पावर 2 तो दिख रहा है गुना में है, और कुछ ऐड करके खुद कुछ घटा देते हैं ताकि ये चीज़ आ जाए, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ से अगर हम लोग 2 का पावर 2 ही कॉमन लेना है तो क्या हम लोग 2 का पावर x का पावर 2 कह सकते हैं क्या, ये 2 का पावर 2 का पावर 2 कह सकते हैं क्या, ठीक है। अब अगर हम लोग 2 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये चीज़ें हटेगा, ये चीज़ें अगर हट जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या होता है, ये देखो तो a² - b² इस फॉर्म में आ गया क्या, a² - b² अगर आप लोग ध्यान लगाएंगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे 2 होगा जी, 2 का पावर 2 रहेगा ही रहेगा, 2x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो तो a+b a - b का फॉर्मूला a+b, और ये हो जाएगा a - b 2x - 2 का स्क्वायर। ये तो कट गया, ठीक है। जब कट गया तो यहाँ पे हम लोग x जगह पे 2 पुट कर देंगे, यानी 2 दुना 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर डेट इज 4 / 2 दुना 4 4 4 8 काट पीट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और फंक्शन चूंकि संतत है, फलन संतत है, f(2) बराबर लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा। जब x टेंस टू 2 हो जाएगा
क्या है जी, एफ ऑफ टू बराबर के, और के किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो ये स्टूडेंट इतना जाके हम लोग का आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट आप लोग से और है कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो कम से कम यार इसको मैक्सिमम लोग तक पहुँचाओ। अगर आप लोग नहीं पहुँचा रहे हो और खुद सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हो तो ये गलत बात है, ठीक है। पढ़ाई बांटने से बढ़ती है, ठीक है, और धन बांटने से घटता है। तो धन नहीं बांट रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी की डेट में, पढ़ाई बांट रहे हैं। लॉकडाउन का सीजन चल रहा है तो सबको पढ़ने का हक है। ओके ओके टिल देन, थैंक यू वेरी मच।